हेलो लर्नर्स, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स एंड इट्स हार्मोनल रेगुलेशन। तो हम इसमें हम देखेंगे कि मेटामॉर्फोसिस टर्म का मतलब क्या है, कितने टाइप्स की मेटामॉर्फोसिस होती है इंसेक्ट्स के अंदर, और किस तरह से कौन कौन से हार्मोन्स हैं। अभी आप देखोगे जुवेनाइल हार्मोन है, एक डायोसोन्स है, वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, किस पार्ट से, एंड वो इस कंप्लीट ये जो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस है उसको किस तरह से रेगुलेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टर्म है मेटामॉर्फोसिस, इस ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म को आप ऐसे समझिए, जैसे आप ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं, आप देखते हो तो यंग वन जिसकी अभी बर्थ हुई है और अडल्ट, अगर आप इन दोनों को देखो तो ये एग्जैक्टली सिमिलर है, मतलब इनका बॉडी प्लान जो है वो सिमिलर है। आप देखो कि साइज में चेंज आता है, पर जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं, यंग हुआ, देन यंग वन है, देन मैच्योर होता है, देन अडल्ट हो जाता है, देन ओल्ड हो जाता है, बट इनका जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनका बेसिक जो बॉडी प्लान है वो सेम रहता है। बट जब हम बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस की, जैसे अभी आप इंसेक्ट्स में देखोगे, जब आप कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की बात करोगे तो उनकी जो स्टेजेस होती हैं, जैसे एग से लावा होता है, लावा से प्यूपा देखोगे, फिर अडल्ट बनेगा, तो ये जो स्टेजेस होती हैं वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होती हैं। अगर नॉर्मल कोई भी पर्सन देखे तो उसे ऐसा लग सकता है कि लावा जो है वो अलग इंसेक्ट का है, प्यूपा अलग इंसेक्ट का है, और ये अडल्ट जो है वो कोई अदर इंसेक्ट का है। एंटोमोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं कि नहीं, मतलब उनमें इतना डिफरेंसेस हैं स्टेजेस में कि ऐसा अज्यूम किया जा सकता है नॉर्मल पीपल के द्वारा कि ये जो स्टेजेस हैं इस इंसेक्ट्स की वो इतनी डिफरेंट हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स की हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब, ट्रांसफॉर्म का मतलब यही है। सो मेटामॉर्फोसिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इमैच्योर लार्वा इंडिविजुअल इनटू सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एजेंट अडल्ट। तो इसकी जो अच्छी डेफिनेशन है वो आप यहाँ से देखिए। मेटामॉर्फोसिस को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ रैपिड एंड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन इमैच्योर लार्वा लाइफ टू सेक्सुअली अडल्ट फॉर्म इन्वॉल्विंग मॉर्फोलॉजी, फंक्शन एंड हैबिट चेंज। तो इसमें क्या है, जैसे एग है, एग से यंग वन हैच हुआ, यंग से कुछ और स्टेजेस आएंगे, भी आप देखोगे इंसेक्ट्स में मॉल्टिंग होगी, इन दो स्टेजेस के बीच में कई बार मॉल्टिंग होगी, देन यहाँ से यहाँ पे मॉल्टिंग हो सकती है 2-3 times डिपेंडिंग ऑन कौन सा इंसेक्ट है, देन अडल्ट बनेगा। और ये क्या है, यहाँ पे ये इमैच्योर लार्वल था, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एजल्ट अडल्ट बन चुका है, और ये एक दूसरे से डिफरेंट है, ये जो स्टेजेस हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है इन टर्म ऑफ मॉर्फोलॉजी। ठीक है, इसकी ये देखने में आपको डिफरेंट लगेगा, इसके अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे नहीं होंगे जो अडल्ट के अंदर डेवलप हो चुके हैं, इनके साइज में डिफरेंट होगा, इनके फंक्शनिंग में डिपेंड होगा, डिफरेंस होगा, एंड इनके हैबिटेट में डिफरेंस होगा। तो बात समझ में आ गई कि लावा लाइफ से सेक्सुअली अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, जिसके इन ओरिजिन स्टेजेस से गुजर रहा है, वहाँ पे इसकी मॉर्फोलॉजी, उसके फंक्शन और हैबिट्स में भी, हैबिटेट्स में भी चेंज आ रहा है। सो ये जो अडल्ट बनता है वो कभी कभी कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर्म लार्वा इन फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड हैबिट। यही तरीका है जिसमें इंसेक्ट ग्रो करते हैं और मैच्योर करते हैं। इनकी जो लाइफ है, भी आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेटामॉर्फोसिस में, कि इनकी जो लाइफ है उसको अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है फॉर रेस्टिंग, ग्रोइंग एंड रिप्रोड्यूसिंग। तो एक शॉर्ट, क्योंकि इसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आती हैं इसकी लाइफ में जो कि काफ़ी एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंसेक्ट ग्रो इन स्टेजेस एंड ये जो साइकिल है स्टेजेस का उसको ही हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आ रही हैं, ये पूरी कंप्लीट साइकिल जो है इसको हम मेटामॉर्फोसिस बोल सकते हैं। ये बात हमने ऑलरेडी देखी थी कि बहुत सारे इंसेक्ट्स में ये जो स्टेजेस होती हैं, जैसे
फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ये अडल्ट बन गया। तो ये स्टेजेस एक दूसरे से इतनी ज़्यादा डिफरेंट होती हो सकती हैं कि आप उनको रिकॉग्नाइज ही ना कर पाएँ कि ये सेम एनिमल की हैं। मीन्स आपको ये लगेगा कि ये डिफरेंट एनिमल है, ये डिफरेंट एनिमल है, ये डिफरेंट एनिमल है, ठीक है। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है। अब यहाँ कुछ टर्म्स हैं जो आप देख लें तो अच्छा रहेगा, ताकि क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर कहीं पर एक्डाइसिस या माउल्टिंग जो टर्म आती है, इसका आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि जब शेडिंग हो जाती है, शेड कर देता है ओल्ड एक्सोस्केलेटन को, तो उसको हम बोल देते हैं माउल्टिंग। जैसे आप देखोगे कि लावा है, लावा से आप प्यूपा बन रहा है, तो उसके बीच में मे बी दो तीन माउल्टिंग हो सकती है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में। फिर प्यूपा से अडल्ट बन रहा है, तो उसमें उसके बीच में 2-3 माउल्टिंग्स हो सकती हैं। तो ये जो पीरियोडिक शेडिंग ऑफ होती है ओल्ड स्केलेटन की, इसको हम माउल्टिंग बोलते हैं। देन एक टर्म आता है स्टेडियम। स्टेडियम का मतलब क्या होता है कि जो दो सक्सेसिव माउल्ट हैं, ठीक है, एक बार यहाँ पे माउल्टिंग हुई, एक बार यहाँ पे माउल्टिंग हुई, तो इसके बीच में जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, उसको हम स्टेडियम बोलते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव माउल्ट्स ऑफ ए डेवलपिंग इंसेक्ट्स इज कॉल्ड स्टेडियम। देन आता है इंस्टार। इंस्टार का मतलब क्या होता है कि जो फॉर्म है डेवलपिंग इंसेक्ट्स की बिटवीन टू माउल्ट्स, तो दो माउल्ट्स के बीच में जो फॉर्म होती है इंसेक्ट्स की, उसे हम इंस्टार बोलते हैं। और जो ड्यूरेशन होगा दो माउल्टिंग के बीच का, उसको स्टेडियम बोलते हैं। लावा क्या होता है? लावा इज अ मोटाइल इमैच्योर फीडिंग स्टेज इन आर्थ्रोपोड्स विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट स्टेज। अभी आप टर्म्स देखोगे निम्फ एंड इमेगो। निम्फ क्या होता है, अभी आप जब टाइप्स ऑफ मेटामोफोसिस देखोगे, तो जो हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट्स होते हैं उनके लावे को निम्फ बोलते हैं, ठीक है, और इमेगो बोलते हैं जो आप अभी देखोगे कंप्लीट मेटामोफोसिस को, जिसे हम होलो मेटाबोलिस भी बोलते हैं, मेटामोफोसिस भी बोलते हैं। तो इनके जो अडल्ट्स होते हैं इन्हें हम इमेगो बोलते हैं। तो ये कुछ एक टर्म्स हैं जो आप एक बार देख लीजिए। अब हम देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटामोफोसिस। तो 5 टाइप्स की मेटामोफोसिस हम देखेंगे। फर्स्ट इज ए मेटाबोलिस डेवलपमेंट, या जिसे बोलते हैं ए मेटामोफोसिस, या इसको हम नो मेटामोफोसिस भी बोलते हैं। सेकेंड इज ग्रेजुअल और पारोमेटाबोलिस डेवलपमेंट। थर्ड इज इनकम्प्लीट मेटामोफोसिस या हेमी मेटाबोलिस डेवलपमेंट भी बोलते हैं। फोर्थ होता है कम्प्लीट मेटामोफोसिस या होलो मेटाबोलिस डेवलपमेंट। एंड फिफ्थ होता है हाइपर मेटामोफोसिस या फिर हाइपर मेटाबोलिस डेवलपमेंट। तो जो फर्स्ट आता है, दिस इज ए मेटाबोलिस डेवलपमेंट, या जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट, या इसको हम बोल सकते हैं नो मेटामोफोसिस। मीन्स कोई ऐसा लग बिल्कुल भी मेटामोफोसिस हो ही नहीं रही। जो यंग है और जो मैच्योर एडल्ट है, वो एक्जैक्टली एक दूसरे के सेम हैं, सिमिलर हैं, बस इनके साइज में डिफरेंस आ गया, बाकी और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मीन्स कोई मेटामोफोसिस ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हो रही है। देन दिस इज नोन एज ए मेटाबोलस डेवलपमेंट, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए मेटाबोलिस डेवलपमेंट, जहाँ पे इंसेक्ट्स अंडरगो लिटिल और नो मेटामोफोसिस। एक्सेप्ट क्या कह रहा है कि जब यंग एग्स में से निकलते हैं, इमर्ज होते हैं, तो ये जो यंग होते हैं वो रिजेंबल करते हैं अडल्ट इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट साइज। सिर्फ साइज में डिफरेंस है मेनली। आप कहीं कहीं पर बोल सकते हो कि सेक्शुअल स्ट्रक्चर और डिफरेंस होता है इन आर्मेचर ऑफ स्पाइंस एंड सीटी, बट मेनली क्या है, सिर्फ और सिर्फ साइज में डिफरेंस है। बाकी जो यंग वन है और अडल्ट है, वो एग्जैक्टली एक दूसरे की कॉपी होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो जब यंग जो है इमर्ज हुआ एग में से, तो वो सिर्फ साइज में ग्रो करता है बाय द प्रोसेस ऑफ माउल्टिंग। तो इसके अंदर माउल्टिंग्स होती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा इंसेक्ट है। एंड इस माल्टिंग मे बी 2-3 टाइम्स माल्टिंग होती है, एंड वो फाइनली अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है।
ये लिखा है, द यंग विच इमर्जेस फ्रॉम द एग रिजेंबल अ मिनिएचर अडल्ट, अडल्ट की एक मिनी कॉपी लगता है जो यंग इमर्ज होता है. तो ये जो यंग होते हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं निम्फ. ठीक है, इसके रिप्रोडक्टिव निम्फ में है क्या कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो डेवलप्ड नहीं होते. ठीक है, एंड जब मॉल्टिंग होती है कुछ बार, तब निम्फ जो है वो अडल्ट बन जाता है. ये बेसिकली देखने को मिलता है इन ए पेटरीगोटॉन, यानी कि जो विंगलेस इंसेक्ट होते हैं, जैसे कि लेपिज्मा हो गया, स्प्रिंग टेल्स है, कॉलम्बोला, इनके अंदर सिल्वर फिश, च्विंग लाइस एंड सकिंग लाइस के अंदर, जैसे कि लेपिज्मा को हम यहाँ पे देख सकते हैं. एग है, एग से निम्फ निकला, एंड निम्फ के अंदर कुछ एग मॉल्टिंग हुई, यहाँ पे मॉल्टिंग हुई होगी तो निम्फ बना, एंड देन निम्फ से टू थ्री टाइम्स मॉल्टिंग हुई एंड अडल्ट बना. तो आप देख सकते हैं कि निम्फ और अडल्ट जो हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर हैं, सिर्फ और सिर्फ साइज में इनके डिफरेंस है. तो इस तरह की मेटामॉर्फोसिस को हम ए मेटाबोलस या फिर नोमॉर्फोसिस भी बोलते हैं, या फिर डायरेक्ट डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट टाइप इज ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, या जिसे हम पाउरोपेटस डेवलपमेंट भी बोलते हैं. तो ये जनरली देखने को मिलता है जो प्रिमिटिव फॉर्म्स हैं, जैसे कि कॉकरोच, ग्रास हॉपर्स, मैंटिस एंड वाइट आंट्स, मे फ्लाइज एंड ड्रैगन फ्लाइज, स्टोन फ्लाइज, इन सब के अंदर देखने को ये मिलता है. तो इसको हम ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस क्यों कह रहे हैं, जैसे कि एक स्टेज है, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, तरह स्टेजेस हैं. तो अनलाइक जैसे कि हम इससे पहले हमने जो देखा इनकम्प्लीट में, वहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं था यंग वन और अडल्ट में एक्सेप्ट साइज. यहाँ पे डिफरेंस तो होगा, बट इतना कम डिफरेंस होगा कि अगर आप ऊपर से देखते हैं सुपरफिशियली, तो आपको लगेगा कि कुछ मेटामॉर्फोसिस हुई ही नहीं है. बट स्टेजेस में डिफरेंसेस होता है, ठीक है, लिटिल बिट डिफरेंसेस होता है, मीन्स ग्रेजुअल चेंज आ रहा है, बहुत कम, इससे इस स्टेज में बहुत कम चेंज होगा, आपको लगेगा ही नहीं कि कोई चेंज हुआ है. दैट्स वाई दिस इज ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, राइट. सो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो यंग वन इमर्ज हुआ है एग से, वो क्लोजली रिजेंबल करेगा अडल्ट को इन जनरल बॉडी फॉर्म, हैबिट्स एंड हैबिटेट. ठीक है, जनरली आपको देखने को मिलेगा कि अडल्ट और जो यंग वंस हैं वो उनकी जो बॉडी फॉर्म है, हैबिट्स हैं, हैबिटेट है, वो लगभग लगभग सेम है, बट कुछ डिफरेंसेस होंगे. जैसे कि बहुत सारी अडल्ट फीचर्स, जैसे अडल्ट के अंदर विंग्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो यंग वन के अंदर अनडेवलप्ड होंगे और उनका जो प्रोपोर्शन होगा वो भी डिफर करेगा. ठीक है, तो यंग वन और अडल्ट में बहुत सारी जो सिमिलैरिटीज़ हैं, बट फिर भी उनके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं. जैसे कि विंग्स में आप देखने को डिफरेंस मिलेगा कि जो यंग स्टेजेस हैं उनके अंदर विंग्स डेवलप्ड नहीं हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो उतने डेवलप्ड नहीं हैं, और उनका जो प्रोपोर्शन है वो भी डिफरेंट है. तो यहाँ भी यंग वंस को हम निम्फ बोलते हैं. ठीक है, तो निम्फ के अंदर सक्सेसिव माउल्टिंग होगी. ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू पास करेंगे ये यंग और अडल्ट को बनाएंगे, और ये जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाएंगे तो उनके बीच में कई मॉल्टिंग होती हैं. तो जो एग से यंग इमर्ज हुआ उसके अंदर तो विंग्स डेवलप नहीं है, लेकिन लास्ट बाद में क्या होगा कि उनकी जो अगर अदर स्टेजेस आएंगी उनके अंदर विंग पैड्स जो है वो डेवलप होंगे. सो इसमें क्या होता है कि जो यंग वन होते हैं उनमें जब वो एग से इमर्ज हुए तो उनके अंदर विंग्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है वो उतने डेवलप्ड नहीं है. तो धीरे धीरे क्या होता है उनके अंदर विंग पैड्स आते हैं. ठीक है, इन सेकेंड एंड थर्ड थोरैसिक सेगमेंट्स के अंदर अर्ली एजेस में, ठीक है, जब वो स्टेजेस एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जा रहे हैं तो उसकी अर्ली स्टेजेस में ही उनके अंदर विंग पैड्स आ जाते हैं, और फिर इनका जो साइज़ होता है वो इंक्रीज होता जाता है ग्रेजुअली, क्योंकि हर एक स्टेज में क्या होगा
इन माइटोसिस होती जाएगी, हर एक मॉल्ट होगा ना, यंग वन है, यंग से अडल्ट बनने में इसमें दो चार माउल्टिंग होगी, दो तीन बार, तो हर एक बार जो मॉल्टिंग हो रही होती है तो साथ साथ माइटोसिस के थ्रू इनका जो साइज होता है वो भी इंक्रीज होता जाता है विंग्स का, ठीक है। पैड्स बनते हैं देन विंग्स पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। इसी के साथ साथ ग्रेजुअली साथ साथ क्या हो रहा है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में मॉल्टिंग के साथ साथ एक्सटर्नल जो जेनिटेलिया है मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी डेवलप होते रहते हैं ग्रेजुअली एट ईच मॉल्ट, ठीक है। और ये जो निम्फ होते हैं, यंग वंस होते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ को लीड करते हैं और अटेन धीरे धीरे जब सेवरल माउल्ट्स के बाद वो फाइनली अडल्ट्स को फॉर्म कर लेते हैं। तो इसे हम ग्रेजुअल मेटामोफोसिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि द यंग अंडरगो स्लो बट स्टीडी चेंज इन ईच माउल्ट एंड अटेन द अडल्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जो चेंजेस आ रहे हैं वो काफ़ी स्लो हैं बट स्टीडी हैं, हो रहे हैं धीरे धीरे बट स्लोली हो रहे हैं हर एक मॉल्ट के साथ और फाइनली अडल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो कभी कभी इस ग्रेजुअल मेटामोफोसिस को अभी आप देखोगे इनकम्प्लीट मेटामोफोसिस को पढ़ोगे जिसको हम हेमी मेटामोफोसिस भी बोलते हैं, तो कभी कभी ग्रेजुअल मेटामोफोसिस को हेमी मेटाबोलिस डेवलपमेंट में भी इंक्लूड कर लिया जाता है, ठीक है। तो जब ईच मॉल्ट के साथ एक मॉल्टिंग दूसरी मॉल्टिंग हर मॉल्टिंग के साथ साथ क्या होता है, प्रपोर्शन ऑफ हेड ग्रेजुअली बिकम स्मॉलर एंड द एब्डोमन बिकम लॉन्गर, जो हेड का प्रपोर्शन होता है ठीक है वो छोटा होता जाता है और जो एब्डोमन होता है वो लॉन्गर होता जाता है। तो यहाँ पे तीन स्टेजेस हैं ग्रेजुअल मेटामोफोसिस में, अगर हम देखें फर्स्ट इज एग, एग से निम्फ, निम्फ से अडल्ट, अडल्ट जो होता है इसको हम इमेगो बोल देते हैं। तो यहाँ पर कोई भी प्यूपल स्टेज नहीं होती। जब अभी आप कंप्लीट मेटामोफोसिस देखोगे तो अभी आप देखोगे कि एग होता है देन लावा होता है देन प्यूपा होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो ग्रेजुअल मेटामोफोसिस में हम ग्रास ओपर को अगर देखें तो एग है, एग से एग में कुछ स्टेजेस में मॉल्टिंग हुई होगी ठीक है, और उससे निम्फ बना, देन निम्फ में भी क्या हुआ मॉल्टिंग हुई, देन निम्फ जो है वो देखे और एडवांस हुआ, देन फिर कुछ मॉल्टिंग्स हुई और एडल्ट बन गया। तो यहाँ पर क्या है कि डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये स्टेज और ये स्टेज में डिफरेंसेस आए हैं, बट वो इतने ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेगा कि आप एक बार में सुपरफिशियली नहीं कह सकते कि मेटामोफोसिस हुई है, बहुत ग्रेजुअली मेटामोफोसिस हुई, थोड़ा सा चेंज आया तो ये डेवलप हो गया, देन एक स्टेज से दूसरे स्टेज में थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं और अडल्ट का फॉर्मेशन होता है, सो दिस इज ग्रेजुअल मेटामोफोसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम्प्लीट मेटामोफोसिस या जिसे हम बोलते हैं हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट। तो यहाँ पर क्या आपको याद रखना है कि यहाँ पे भी डेवलपमेंट कुछ स्टेजेस में होगा ठीक है, एग होगा, एग के बाद यंग वन आएंगे ठीक है, कुछ स्टेजेस होंगी और अडल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्यों इनकम्प्लीट रह गया, क्योंकि जब हम कंप्लीट मेटामोफोसिस देखेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि ये स्टेज सपोज नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से ले लेते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में काफ़ी डिफरेंस होगा, आपको लगेगा कि वो अलग अलग एनिमल्स को बिलोंग करते हैं। सेकंड और थर्ड एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, थर्ड एंड फोर्थ में बहुत डिफरेंस होगा, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ में बहुत डिफरेंस होगा। यहाँ पर क्या होता है इनकम्प्लीट मेटामोफोसिस के केसेस में कि जो फाइनल स्टेज है और उससे पहले वाली, जब भी आप देखोगे निम्फ और अडल्ट के बीच में तो काफ़ी एकदम ड्रास्टिक चेंज आएगा, बट ये जो ये स्टेजेस हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये क्वाइट सिमिलर होंगी। इन जैसे फर्स्ट से सेकंड जाने में उतना चेंज नहीं हुआ, सेकंड से थर्ड में नहीं, थर्ड से फोर्थ में नहीं, बट फोर्थ से फिफ्थ आप देखोगे तो एकदम से ड्रास्टिक चेंज होगा, आपको लगेगा कि नहीं कि ये और ये सेम एनिमल को बिलोंग करते हैं। तो कंप्लीट मेटामोफोसिस पूरी तरह से रीच नहीं हो पाई, क्योंकि कंप्लीट मेटामोफोसिस में ये स्टेज और ये स्टेज भी काफ़ी डिफरेंस होती हैं एक दूसरे से, बट यहाँ पर क्या है फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड फोर्थ तक ये आपको बहुत कम चेंजेस देखने को मिलेंगे, बट फोर्थ से फिफ्थ में ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं इनकम्प्लीट मेटामोफोसिस, मीन्स समथिंग लेस देन कम्प्लीट मेटामोफोसिस। सो
ये दिस इज, तो यहाँ पर जो इमेच्योर स्टेजेस होती हैं उनको हम निम्फ या नेट्स बोलते थे, ठीक है। ऊपर अभी हम निम्फ बोलते आ रहे थे, तो उसको निम्फ को यहाँ पे हम नेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इमेच्योर, याद रखना ये है कि यहाँ पे जो इमेच्योर स्टेजेस होती हैं वो एक्वेटिक होती हैं, ठीक है, और वो रिस्पायर करती हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रैकियल गिल्स, ठीक है, गिल्स के थ्रू रिस्पायर करती हैं, ट्रैकियल गिल्स के थ्रू। जबकि जो अडल्ट स्टेजेस होती हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं, दे आर नॉट एक्वेटिक, दे आर टेरेस्ट्रियल, और वो रेस्पायर करती हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रैकिया, ठीक है। यहाँ पे गिल्स एंड यहाँ पे ट्रैकिया किसके अंदर देखने को मिलता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स जैसे कि ड्रैगन फ्लाइज हो गया, मे फ्लाइज है एंड डैम्स फ्लाइज हो गई, इनके अंदर ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो इनकी जो कुछ स्टेजेस होती हैं जो अभी हमने इससे पहले देखा था ग्रेजुअल मेटामोफोसिस, तो इन इंसेक्ट्स की डिफरेंट स्टेजेस जो होती हैं वो पारामेटाबोलस डेवलपमेंट को भी रिजेंबल करती हैं, एक्सेप्ट यहाँ पे जो निम्फ होते हैं उन्हें हम नेट्स बोल देते हैं, ठीक है। नेट्स जो है वो रिस्पायर करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिल्स, अभी हमने देखा था, और वो एक्वेटिक होते हैं, जबकि अडल्ट जो हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो निम्फ होते हैं या नेट्स होते हैं वो जब रेडी हो जाते हैं अडल्ट बनने के लिए, तो उस टाइम क्या होता है कि निम्फ हम जा रहे हैं वो क्या है, एक्वेटिक है, ठीक है। तो जब ये पूरी तरह से रेडी है तो ये वाटर से बाहर आता है, ठीक है, और फिर बाहर जो अडल्ट बनता है वो विंग्ड अडल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। द विंग्स एंड जेनिटेलिया डेवलप एक्सटर्नली बट आर नॉट फुली फॉर्म्ड अंटिल अडल्टहुड, फिर ये विंग्स और जेनिटेलिया बन तो गए बट जब ये पूरी तरह से डेवलप तब होते हैं जब वो अडल्टहुड पे रीच हो जाता है, ठीक है। और ये याद रखिए कि मोस्ट ऑफ द केसेस में एक बार जब विंग का फॉर्मेशन हो गया तो कोई भी मॉल्टिंग नहीं होती है, एक्सेप्शन है मे फ्लाइज के अंदर, जहाँ पे जब जो निम्फ होता है, ठीक है, वो बाहर आता है, बाहर जो बाहर आने के बाद उनमें विंग का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, विंग फॉर्म स्कम आउट, ठीक है, ऑफ एक्वेरिक निम्फ, एंड फिर ये जो फॉर्म होती है वो रेस्ट करती है ट्री पे, और फिर इसके अंदर मॉल्टिंग होती है और फिर वो फाइनली अडल्ट बनाता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में एक बार विंग्ड फॉर्म आ गई तो उसमें कोई भी मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है, ठीक है। ये जो नेट्स होते हैं या निम्फ होते हैं उनके अंदर थ्री पेयर ऑफ थोरेसिक लेग्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, हेड जिसमें कि कंपाउंड आई है वो प्रेजेंट होता है, एंटेना, और इनका जो एब्डोमेन होता है स्मॉल एब्डोमेन होता है जिसमें कि पोस्टीरियर पीछे की साइड में ट्रैकियल गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो नेट्स समझ में आ गया कि नेट्स जो होंगे उनके अंदर कुछ मॉल्ट्स होंगे, कई बार मॉल्टिंग होगी, ठीक है, और जो हेड होगा अडल्ट का और वो क्या बना देंगे, अडल्ट बना देंगे, ठीक है। तो नेट्स के अंदर कुछ मॉल्टिंग हुई एंड फाइनली अडल्ट बन गया, और अडल्ट का जो हेड होता है वो प्रोपोर्शनली स्मॉलर होता है जैसे कि अभी हमने पहले भी देखा था, और एब्डोमेन जो है वो बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, ठीक है। गिल्स जो होंगे जो हमने नेट्स में देखा वो रेस्पायर करते विद द हेल्प ऑफ ट्रैकियल गिल्स, वो लॉस हो जाएगा उनका, और उसकी जगह पे अडल्ट्स में क्या आ जाते हैं, स्पायरिकल्स आ जाते हैं फॉर एरियल ब्रीदिंग, क्योंकि वो टेरेस्ट्रियल हो चुके हैं। तो ज़्यादातर केसेस में ये जो निम्फ या नेट्स वाली फेज होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट, और अडल्ट वाली जो फेज होती है वो शॉर्ट होती है, क्योंकि अडल्ट का जो पर्पज़ है वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, मींस और जो अपने यंग वंस हैं उन्हें प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो मेफ्लाइज के अंदर जो अडल्ट स्टेज होती है वो सिर्फ कुछ दिन की होती है, फ्यू डेज की, लेकिन जो निम्फ होते हैं या नेड्स होते हैं वो उनको लगभग ग्रो होने में 1 ईयर का टाइम लग जाता है, ठीक है।
तो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में हमने देखा एग है, एग के बाद निम्फ या नेट्स की स्टेजेस होती हैं, देन अडल्ट होता है. ठीक है, तो इसको इन जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है इसको देखने से ये एविडेंट होता है दैट इंसेक्ट विच आर एडवांस्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव लेपिज्मा लाइक फॉर्म हैव स्टार्टेड टू एक्सप्लोर टू टाइप ऑफ एनवायरमेंट्स. टू टाइप ऑफ एनवायरमेंट आप देख रहे हो कि यंग वंस जो है वो एक्वेटिक हैं और अडल्ट जो है वो टेरेस्ट्रियल हो गए, और जो पूरी तरह से सक्सेस अचीव हुई है वो होती है जाके कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंदर. कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में आप देखोगे कि जो लावा होगा, प्यूपा होगा, देन अडल्ट होगा. तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो लावा होगा वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है वो एकदम डिफरेंट होगा फ्रॉम दैट कि जो अडल्ट जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है. ठीक है, और नियरली 87% जो नॉन इंसेक्ट हैं हमें वो इस साइकिल के थ्रू गुजरते हैं जहाँ पे टू चेंजेस ऑफ फॉर्म होती हैं. वन इज़ फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, अनदर इज़ फ्रॉम कैटरपिलर टू प्यूपा एंड फिर अडल्ट. तो ये देखिए इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस को अगर हम देखें तो ड्रैगन फ्लाइज में देखिए इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि एग है, एग से नेट्स आए, तो नेट्स से जो स्टेजेस आएंगी नेक्स्ट तो उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा. इसके बीच में 2-3 बार और मॉल्टिंग होगी तो इस स्टेज स्टेज के बीच में इतना डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा. बट ये जो फाइनली जो नेट पूरा डेवलप हो गया और अडल्ट को आप देखोगे तो इसमें एकदम ड्रेस्टिक चेंज आ रहा है. आप देख रहे हैं पूरी तरह से विंग्स जो है वो डेवलप हो गए हैं. ठीक है, काफ़ी इसमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है. दैट्स वाई दिस इज़ इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में आप देखोगे कि ये वाला जो स्टेज होगा और ये स्टेज होगा वो भी आपस में काफ़ी डिफरेंट होंगे. ठीक है, नेक्स्ट आता है कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस या जिसे हम बोलते हैं होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट. इसमें क्या होगा, 4 स्टेजेस इन्वॉल्व होंगी, एग, लावा, प्यूपा एंड देन फिर आता है अडल्ट. इसमें क्या होगा, एग है, एग से लावा निकलेंगे एंड लावा में कई बार मॉल्टिंग होगी और फाइनली वो अडल्ट बन जाएगा. तो इसके अंदर क्या होता है कि जो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर फ्लाइज के अंदर, फ्लाई के अंदर अगर हम देखें तो देखिए एग है, एग से एग में मॉल्टिंग होगी तो लावा है ये, दिस इज़ द लावा, देन प्यूपा एंड देन अडल्ट. 4 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं और जो प्यूपा होता है वो एक केस को सीक्रेट करता है. आप देख सकते हैं दिस इज़ प्यूपेरियम, प्यूपेरियम के अंदर रहता है. ठीक है, और प्यूपेरियम के अंदर रहते रहते ही वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है अडल्ट्स में एंड ब्रेक्स ओपन द केस टू इमर्ज आउट. फिर ये जो केस है वो इसको ब्रेक करके जब वो पूरी तरह से डिफ्रेंशिएट हो चुका होता है अडल्ट में वो बाहर आ जाता है. सो ये जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है या होमो मेटाबोलस डेवलपमेंट है दिस इज़ अ काइंड ऑफ रैपिड मॉर्फोलॉजिकल चेंज ड्यूरिंग पोस्ट एम्ब्रियोनिक ट्रांसफॉर्मेशन इन सम फॉर्म ऑफ इंसेक्ट्स. जहाँ पे लावा, यहाँ पे क्या है, लावा की कोई भी सिमिलारिटी नहीं है अडल्ट से, देर इज़ ऑलवेज अ प्यूपल स्टेज. मीन्स यहाँ पे स्टेजेस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंस शो करती हैं. आप लावा को देखेंगे और अडल्ट को देखेंगे तो आप नहीं बोल बता पाएंगे जनरल कि ये सेम एनिमल है. ठीक है, काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है. ये बेसिकली कहाँ देखने को मिलती है, बीटल्स के अंदर, कैटिस फ्लाइज के अंदर, बटरफ्लाइज, मॉथ्स, मॉस्किटो फ्लाइज, वीज एंड बैट्स के अंदर, देन लेस विंग स्कॉर्पियन फ्लाइज एंड फ्लीज के अंदर ये देखने को मिलती है. तो यहाँ पर क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो लावा है उनको डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दे दिया गया है. जैसे हाउस फ्लाई का जो लावा होता है उसको हम मगोट बोलते हैं. ठीक है, इसके बाद में आपको डिटेल देखिए तो आप देख सकते हैं जैसे कि हाउस फ्लाई जो है जिसका लार्वा वॉर्म लाइक होता है एंड उसमें अपेंडिजेस नहीं होती उसको हम मैगोट बोल देते हैं. ठीक है, इसी साथ जो बीटल्स होता है उसके लावा को हम ग्रब बोल सकते हैं. आप स्क्रीन शॉट लेके इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं बट डिटेल इज़ नॉट दैट मच रिक्वायर्ड. तो
आई एम नॉट गोइंग इन टू द डीप. सो इसको ग्रब बोलते हैं. और मॉथ एंड बटरफ्लाइज के अंदर लावा को हम कैटरपिलर बोलते हैं. ठीक है. और कैटरपिलर्स के अंदर आप देखेंगे कि एब्डोमेन में 4 or 5 पेयर ऑफ अनज्वाइंटेड शॉर्ट एब्डोमिनल लेग्स जो है प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम स्यूडोलेग्स या प्रोलेग्स भी बोलते हैं. ठीक है. एंड ये जो लावा है जो हमने मेंशन किए, उनको 3 डिफरेंट कैटेगरीज में रख सकते हैं. जैसे कि जो मगोट का लावा है उसे हम ए पोडस लावा बोल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई भी अपेंडेजेस नहीं है थोरैक्स और एब्डोमेन. थोरैक्स या एब्डोमेन में कोई भी बिकॉज अपेंडेजेस नहीं है, इसलिए इसको ए पोडस बोलते हैं. जबकि बीटल्स का जो लावा है इसको हम कैम्पोडी फॉर्म लावा भी बोल सकते हैं या ऑलिगोपोड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जैसे अभी हमने देखा ए पोडस में कोई भी अपेंडेजेस नहीं है. यहाँ पे अपेंडेजेस होते हैं बट थोरैक्स में होते हैं. ठीक है. थोरैसिक लेग्स होते हैं, एब्डोमेन में नहीं है. एब्डोमिनल अपेंडेजेस नहीं है बट थोरैसिक लेग्स प्रेजेंट होते हैं. इस तरह से जो कैटरपिलर होता है, अभी हमने देखा था कि जो बटरफ्लाइज हो गए, मॉथ्स हैं, उनके लावा को हम कैटरपिलर लावा भी बोलते हैं. तो इसे पॉलीपोड या फिर इरुसी फॉर्म लावा भी बोल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो आप देखोगे ये प्रोलेक्स भी प्रेजेंट होते हैं एब्डोमेन में, एंड 6 लेग्स जो हैं वो थोरैक्स में प्रेजेंट होते हैं, थोरैसिक लेग. दैट्स वाई दिस इज पॉलीपोड या इरुसी फॉर्म बोलते हैं इसको. ठीक है. दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन यू कैन सी. तो ये लावा के बारे में हो गया सेकेंड स्टेज. ठीक है. यंग एग से लावा निकला, देन लावा के बाद जो थर्ड स्टेज आती है वो होती है प्यूपा. ठीक है. प्यूपा होता है वो यूजुअली क्या होता है, इमोबाइल होता है, वो मूव नहीं करता, और वो जनरली आपने देखा था एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर रहता है, एंड जिसे हम प्यूपेरियम भी बोल रहे थे. ठीक है. और ये इसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम प्रीडेटर. तो अभी हमने देखा था इसको हम कोकून भी बोलते हैं. ठीक है. मॉस्किटोज़ के अंदर प्यूपा जो है वो बहुत एक्टिव होता है पर वो कुछ ईट नहीं करता है. ठीक है. तो होता क्या है कि हम प्यूपा स्टेज को जनरली मान के चलते हैं वो क्वेश्चेंट, मतलब इनएक्टिव स्टेज है. बट इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है वो इनएक्टिव होता है, बट अंदर ही अंदर इमोबाइल ज़रूर है, लेकिन अंदर ही अंदर उसमें बहुत सारे इंटरनल चेंजेस हो रहे होते हैं. तो बेसिकली होमोमेटाबोलस इंसेक्ट्स में जो प्यूपा होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज एक्सरेट प्यूपा. एक्सरेट प्यूपा में ये बहुत ही कॉमन टाइप का है और सारे देखने को मिलता है एक्सेप्ट डेट ऑफ द लेपिडोप्टेरा. एंड इसको हम कैरेक्टराइज करते हैं विद द हेल्प प्रेजेंस ऑफ, इसमें फ्री लेग्स प्रेजेंट होते हैं एंड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, एंड एब्डोमेन जो होता है वो कैपेबल होता है मूवमेंट के लिए. इसको हम फ्री प्यूपा भी बोलते हैं. ये भी थोड़ा सा एडिशनल है बट आप देख लें. सेकेंड इज ऑप्टेक्ट प्यूपा. तो ये जनरली आपको मॉथ एंड बटरफ्लाइज में देखने को मिलता है. इसमें विंग्स होते हैं. ठीक है. जो अपेंडेजेस होती हैं वो मूव नहीं करती. अपेंडेजेस आर नॉट मूव्ड एंड फिक्स्ड टू द बॉडी बाय माउंटिंग फ्लूइड. वो फिक्स्ड रहती हैं बॉडी पे बाय द हेल्प ऑफ द माउंटिंग फ्लूइड की. एंड बटरफ्लाइज का जो प्यूपा होता है इसे क्राइसेलिस बोलते हैं, एंड इट पजेसेस अ स्लेंडर स्टाक एट द टॉप बाय विच द प्यूपा रिमेन अटैच टू द ट्विक्स. ठीक है. इसी की हेल्प से वो ट्विक्स पे अटैच रहता है. थर्ड इज कोआर्टेट प्यूपा. इसके अंदर आप खुद देख सकते हैं ये कुछ डायप्टेरियंस में देखने को मिलता है, जैसे कि हाउस फ्लाई के अंदर जो प्यूपा होता है ये इनक्लोज्ड रहता है बाय अ हार्ड बैरल शेप्ड काइटेनस केस, जिसे हम प्यूपेरियम बोलते हैं. एंड ये जो प्यूपेरियम होता है आप देख सकते हैं वो एक्सटर्नली सेगमेंटेड है, एंड जो स्पाइरिकल्स होते हैं, ठीक है, रिमेन प्रोजेक्टेड आउट वाइडली, वो बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड रहते हैं. ठीक है. जैसे कि अगर हम देखें तो मॉस्किटो का जो प्यूपा होता है वो कॉमन शेप्ड है एंड कंटेन ब्रॉड एंटीरियर सेफलोथोरैक्स. ठीक है. एंड वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो डोर्सल साइड होती है थोरैक्स की, वहाँ पे स्मॉल रेस्पिरेटरी
ट्रम्पेट्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज ओपनिंग्स आर गार्डेड बाई न्यूमरस हेयर. एब्डोमेन के अंदर 9 सेगमेंट होते हैं एंड पेयर ऑफ पैडल्स ऑन 8th segment बाई विच द प्यूपा स्विम्स. एंड प्यूपा कुछ देर तक रहता है एंड फाइनली इसमें से यंग जो है वो इमर्ज हो जाते हैं और बाई डिजॉल्विंग दिस प्यूपल केस को डिजॉल्व करके इसमें से यंग बाहर की तरफ आ जाते हैं. तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. प्यूपा की बेसिक आप टाइप्स देख लीजिए एंड किसके अंदर प्रेजेंट होता है वो हमें देखना रहेगा. तो हम देख सकते हैं कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंदर 4 स्टेजेस थी, एग, लावा, प्यूपा एंड देन अडल्ट. अडल्ट को हम इमैगो बोलते हैं एंड दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, ये हमने फ्लाइज के अंदर देखा था. एक टर्म आती है दिस इज प्री प्यूपा. तो प्री प्यूपा में क्या होता है कि जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जहाँ पे हो रही है होमो मेटाबोलस इंसेक्ट्स के अंदर प्यूपल स्टेज से पहले एक स्टेज देखने को मिलती है जिसे हम प्री प्यूपा बोलते हैं. इस स्टेज के दौरान फीडिंग जो है पूरी तरह से स्टॉप हो जाती है और कभी कभी क्या होता है कि कोकून इज प्रोड्यूस. ठीक है, और कोकून आप जो देखते हो जो कवरिंग है उसको वो प्रोड्यूस होती है. ठीक है, ये जो प्री प्यूपा होता है वो कुछ कुछ लावा को जो है वो रिजेंबल करता है बट ये उसके कंपेरिजन में श्रंक होता है थोड़ा सा और लेस पिगमेंटेड होता है. तो होमो मेटाबोलस इंसेक्ट्स के अंदर प्यूपा से पहले जो स्टेज देखने को मिलती है दिस इज प्री प्यूपा. तो ये था कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस. नेक्स्ट इज हाइपर मेटामॉर्फोसिस या जिसे हम बोलते हैं हाइपर मेटाबोलस डेवलपमेंट. आप ब्लिस्टर बीटल्स के अंदर देख सकते हैं इसको. यहाँ पर क्या होता है इस तरह के मेटामॉर्फोसिस में देर आर 2 or 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ लार्वल इन स्टार्स विद डिफरेंट हैबिट्स एंड स्ट्रक्चर्स फाउंड इन सर्टेन इंसेक्ट्स. ठीक है, मीन्स यहाँ पे हाइपर जरूर से ज़्यादा मीन्स यहाँ पे आपको 2 or 3 टाइप्स के लार्वल स्टार्स जो है वो देखने को मिलेंगे जिनका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी डिफरेंट है, उनकी जो हैबिट्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं. तो इसको हम हाइपर मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. ये आपको ब्लिस्टर बीटल्स के अंदर देखने को मिलती है. दिस इज एक लावा इन प्यूपा अडल्ट. ठीक है, सो अभी हमने देखा कि मेटामॉर्फोसिस को हमने देख लिया. अब हम देखते हैं कि किस तरह से इस मेटामॉर्फोसिस का हार्मोनल कंट्रोल होता है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस. तो इसमें अभी हम इसको समराइज करेंगे डायग्राम से, बहुत इजीली समझ में आ जाता है. बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन सी सेल्स हैं, कौन से हार्मोन्स हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं. ठीक है, सो ये जो हार्मोनल कंट्रोल है इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस का उसको सबसे पहले विगल्स वर्ट ने जो है वो शो किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स में ऑन रॉडनियस प्रोक्सिलस पे. ठीक है, जो कि एक ब्लड सकिंग बग होता है. ठीक है, सो इस पे इन्होंने इसको स्टडी किया था. ठीक है, सो यहाँ पे जो ऑर्गन्स रिलेटेड हैं इस प्रोसेस से वो होते हैं ब्रेन. ठीक है, प्रोटोसेरिब्रम, प्रोथोरेसिक ग्लैंड एंड कॉर्पोरा अलाटा. ठीक है, कॉर्पोरा कार्डियका एंड कॉर्पोरा अलाटा. तो इसमें क्या होता है कि ब्रेन के अंदर जो रोल प्ले किया जाता है वो अभी आप देख लोगे, समराइज करेंगे तो बहुत इजी हो जाता है. तो ब्रेन के अंदर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो हैं वो रोल प्ले करती हैं, वो सिक्रीट करती हैं PTTH यानी कि प्रोथोरेकोट्रॉपिक हार्मोन या जिसे हम ब्रेन हार्मोन भी बोलते हैं. ठीक है, तो ब्रेन के अंदर 4 ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं. इसमें से 2 ग्रुप्स जो हैं वो मिड लाइन पर लाई करते हैं और अदर ग्रुप लाई ऑन द साइड्स. तो ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं वो एक प्रोटीन हार्मोन को सिक्रीट करती हैं. अभी आप देखोगे दिस इज PTTH, प्रोथोरेकोट्रॉपिक हार्मोन या ब्रेन हार्मोन भी बोलते हैं.
और ये जो ब्रेन हार्मोन है वो प्रोथोरेसिक ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, और ये जो प्रोथोरेसिक ग्लैंड होंगी वो आगे जाकर के मॉल्टिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करेगी, मींस जिसकी वजह से मॉल्टिंग हो पाएगी। यानी कि आप देखोगे कि प्यूपा लावा होगा, ठीक है, लावा से प्यूपा एंड देन प्यूपा से अडल्ट बन पाएगा, ठीक है, इतना याद रखना है। तो ये जो अभी आप देखोगे कि जो प्रोटोसेरिब्रम होता है, ठीक है, वो सेंड करता है न्यूरोसेक्रेटरी एक्सॉन को टू कॉर्पोरा कार्डियका, जो कि कॉर्पोरा कार्डियका क्या होता है, दिस इज अ पेयर ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स विच लाई पोस्टीरियर टू द ब्रेन, ठीक है। और यहाँ से जो PTTH जो सिक्रीट किया वो कॉर्पोरा कार्डिका से होते हुए पास होता है अलॉन्ग द एक्सॉन, यहाँ पे ये ब्लड में रिलीज किया जाता है। तो ये ब्रेन का रोल था। देन प्रोथोरेसिक ग्लैंड आपको समझ में आ गया कि यहाँ से आपने देखा ना कि यहाँ पे से माउंटिंग, इसको माउंट ग्लैंड या फिर एक्डाइसियल ग्लैंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक बार एक्टिवेट हो गए प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स तो ये जिस हार्मोन को प्रोड्यूस करेंगे वो से हम एक्डायोसोन बोलेंगे, जो कि स्टेरॉइड होता है। और ये एक्डायोसोन जो होता है जब वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है तो अभी आप देखोगे 20 हाइड्रोक्सी एक्डायोसोन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी की वजह से माउंटिंग होती है, ठीक है, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से अडल्ट जो है वो बन जाता है, ठीक है। एंड कॉर्पोरा अलाटा जो पार्ट है थर्ड, उसमें आप देखोगे कि वहाँ से जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो होता है जुवेनाइल हार्मोन। तो ये जो जुवेनाइल हार्मोन है उसका नेचर होता है स्टेरॉइड, और ये जुवेनाइल हार्मोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लावा सेल्स को एक्टिव रखने के लिए। लेकिन आप ये देखोगे कि जैसे लेकिन अगर जुवेनाइल हार्मोन, एक चीज़ याद रखना है, जुवेनाइल हार्मोन की कंसंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा है तो एक्डायोसोन जो कि माउल्टिंग हार्मोन है वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो जब एक्डायोसोन को काम करना होता है तो जुवेनाइल हार्मोन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, क्योंकि अगर जुवेनाइल हार्मोन की कंसंट्रेशन हाई है तो सिर्फ लार्वा से लार्वल फॉर्म में मेटामोफोसिस होगी, लार्वा से प्यूपा या प्यूपा से अडल्ट बनने के लिए 20 जो हाइड्रोक्सी एक्डायोसोन है उसका होना ज़रूरी है, और वो हो और साथ में जो आपका जुवेनाइल हार्मोन है उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज अडल्ट फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। लिखा है एज लॉन्ग एज जुवेनाइल हार्मोन इज सिक्रीटेड फ्रॉम द कॉर्पोरा अलाटा द प्यूपा एंड इमेगो स्टेजेस आर नॉट डेवलपमेंट। जब तक जुवेनाइल हार्मोन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पे 20 हाइड्रोक्सी एक्डायोसोन काम नहीं कर पाएगा और प्यूपा एंड अडल्ट स्टेजेस नहीं बन पाएंगी। तो एक टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, जैसे एक डायोसोन जब सिक्रीट होने लगता है तो एक सिग्नल आता है और जुवेनाइल हार्मोन की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। और लेकिन जुवेनाइल हार्मोन का अब्सेंस नहीं होना चाहिए, अगर ये एकदम अब्सेंस हो गई तो लावा सेल्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, जुवेनाइल हार्मोन जब कम होता है तो लावा से क्या बन जाता है, प्यूपा, फिर क्या होता है, एकदम जुवेनाइल हार्मोन की एब्सेंस हो जाएगी तो प्यूपा से क्या बन जाएगा, अडल्ट, और यहाँ पे प्रेजेंट क्या होना चाहिए साथ में, एक्डायोसोन, ठीक है। अभी ये आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा जब हम एक ही डायग्राम में इसको समराइज करेंगे, ठीक है। ये हमने देख लिया था कि जब ये हमने देख लिया था कि एक्डायोसोन जब रिलीज होता है बट वो क्या है, एक्टिव नहीं होता, ठीक है। तो इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, ठीक है, वहाँ पे हीम कंटेनिंग ऑक्सीडेज होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइक्रोसोम जाता है जहाँ पे ये 20 हाइड्रोक्सी एक्डायोसोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो जुवेनाइल हार्मोन होगा उससे सिर्फ लार्वा से लार्वा मॉल्टिंग हो पाएगी, लेकिन 20 हाइड्रोक्सी एक्डायोसोन बहुत ज़रूरी है लार्वा से लार्वा के लिए, लार्वा से प्यूपा के लिए एंड प्यूपा से
अडल्ट के माल्ट के लिए, और इन दोनों स्टेजेस में जुवेनाइल हार्मोन की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर जुवेनाइल हार्मोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो 20 हाइड्रोक्सी एकडायसोल काम नहीं कर पाएगा। ठीक, चलिए अब इसको समराइज करते हैं। तो दिस इज़ द ब्रेन, ठीक है, ये ब्रेन आपको दिख रहा है। तो दिस इज़ ब्रेन, तो यहाँ पे आपको न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स दिख रही हैं। तो सबसे पहले अभी हमने देखा था कि जो कॉर्पोरा अलाटा होता है वहाँ से जुवेनाइल हार्मोन का, यहाँ से आप देख सकते हैं जुवेनाइल हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ठीक है, ये जो जुवेनाइल हार्मोन है वो जुवेनाइल हार्मोन रिसेप्टर्स जो होते हैं उनसे बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद ये न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, आप जानते हो कि जुवेनाइल हार्मोन, ठीक है, सिर्फ लावा से, लावा का मॉल्टिंग करा सकता है, या लावा से प्यूपा का तब कराएगा जब जुवेनाइल हार्मोन की कंसंट्रेशन बहुत कम हो और वहाँ पे साथ साथ में एकडायसोन का प्रेजेंट हो, प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। आप पर्पल कलर से देख रहे हो, ठीक है, एकडायसोन तीनों में प्रेजेंट होगा, जुवेनाइल हार्मोन आप देख रहे हो ये लावा वाले में एंड प्यूपा वाले स्टेजेस में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ दैट ऑफ द एकडायसोन। तो एक बार जुवेनाइल हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड हुआ, एंटर करता है न्यूक्लियस में, जहाँ पे ये अपना एक्सप्रेशन को ड्राइव करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ दैट ऑफ लार्वल आरएनए, एल से लावा को रिप्रेजेंट कर रहा है, लावर आरएनए होगा, देन प्रोटीन सिंथेसिस होगी और फाइनली लावा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये लावा से लावा हो गया। ये जो जुवेनाइल हार्मोन है इट ऑल्सो एंटर्स that of the it also derives the expression of pupal RNA, then pupal structure का formation होता है, but ये तभी होगा जब वहाँ पर एग्डायोसोन भी आप देख रहे हो प्रेजेंस है, यानी कि juvenile हार्मोन की concentration बहुत कम है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। देन आपने देखा था कि न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं वहाँ पर PTTH निकलता है कॉर्पोरा कार्डियका से होते हुए, इस वजह से हमने यहाँ पर डायरेक्टली पर्पल कलर से शो कर दिया है, ये देखिए, ठीक है, दिस इज़ द कॉर्पोरा कार्डियका ऊपर वाला, एंड वहाँ से PTTH प्रोथोरेसिकोट्रॉपिक हार्मोन जो है वो निकलता है, ये जाता है प्रोथोरेसिक ग्लैंड में। ठीक है, और प्रोथोरेसिक ग्लैंड से एकडायोसोन का सिक्रीशन होता है, जिसको हमने कहा था माउल्टिंग हार्मोन है एकडायोसोन, लेकिन एकडायोसोन एक्टिव नहीं होता, तो दैट्स वाई इट गोज़ टू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में गया, एंड माइटोकॉन्ड्रिया में ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द 20 हाइड्रोक्सी एकडायोसोन, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो दिस इज़ द 20 हाइड्रोक्सी एकडायोसोन, जो तीनों ही तरह की मॉल्टिंग में, यानी कि लार्वा टू लार्वा, लार्वा से प्यूपा एंड देन प्यूपा से अडल्ट, इन तीनों ही में ये रोल प्ले करता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये देखिए, यहाँ पर जब लावा से प्यूपा बन रहा है तो जुवेनाइल हार्मोन की कंसंट्रेशन हमने -JH मींस जुवेनाइल हार्मोन की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, यहाँ पे भी -JS मतलब प्यूपा से जब अडल्ट बन रहा है, ठीक है, ये तो ये प्यूपा से जब अडल्ट बन रहा है, अडल्ट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो जुवेनाइल हार्मोन की कंसंट्रेशन काफ़ी कम होनी चाहिए, बिकॉज अगर जुवेनाइल हार्मोन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो 20 हाइड्रोक्सी एकडायोसोन काम नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से इंसेक्ट की मेटामॉर्फोसिस रेगुलेट की जाती है, एंड दिस इज़ अबाउट द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस। बेसिकली दो हार्मोन है, जुवेनाइल हार्मोन एंड दैट ये आपके एकडायोसोन। तो ये वाली जो एक प्रोसेस है आप देख सकते हैं, दिस इज़ आप कह सकते हो ये एक्ट कर रहा है एज अ माउल्टिंग सिग्नल की तरह, जबकि यहाँ पर ये डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएशन में हेल्प कर रहा है, डिफरेंशिएटिंग सिग्नल की तरह ये काम कर रहा है। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया है, क्लियर इस तरह से। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट मेटामॉर्फोसिस फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में
पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन. ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.